नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं प्रीति राघव जी की। और प्रीति राघव जी को आप मेनली रिद्धि सिद्धि चैनल ब्लॉगर या रिद्धि सिद्धि के नाम से आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, जो उनकी बेटियाँ हैं उनके नाम से आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। और मेनली ये व्लॉग वीडियोज़ या व्लॉग रिलेटेड वीडियोज़ हमें चैनल पर अपलोड करती हैं, यानी जो इनकी सिंपल डेली लाइफ होती है ये अपने चैनल पर अपलोड करती हैं, व्लॉगिंग वीडियोज जिसे आप कहते हैं। तो आज हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, प्रीति राघव जी की, या फिर आप लोग कह सकते हैं उनके चैनल रिद्धि सिद्धि चैनल, इंडियन ब्लॉगर चैनल की आज लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, या आज जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि इन तरह की वीडियोस में या इन टाइप की वीडियोस में हम लोग क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स की अर्निंग इनकम की बात करते हैं, यानी कितने डॉलर्स या भारतीय रुपये पैसे, इंडियन रुपीज़ या रुपये पैसे वो कमा लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल से। इन्हीं चीज़ों की हम लोग बात करते हैं इन वीडियोज़ में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रिद्धि सिद्धि चैनल इंडियन ब्लॉगर की। और जैसा कि आप लोग देख सकेंगे अपनी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे, बाएं हाथ साइड पे आपको उनके चैनल का आइकन और चैनल का नेम, जो मैंने आपको भी बताया, वो आप देख सकेंगे चैनल के इस पूरे इंटरफेस की बाएं हाथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे। साथ ही में आपको सेंटर पे देखने को मिल जाएगा एक बड़ा सा पिक्चर लाइक इंटरफेस, जिसे हम लोग चैनल वॉलपेपर भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि हम उन्हीं के चैनल के डैशबोर्ड इंटरफेस में हैं। साथ ही में आपको उनके चैनल की जितनी भी डिटेल्स हैं, जानकारी वगैरह, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कितने उन्होंने वीडियो अब तक अपलोड कर रखी है, 1000 के ऊपर वीडियोज़ इनकी हो चुकी हैं अपलोड, लगभग 50,000 के ऊपर इनके सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर थोड़े कम है लेकिन व्यूज़ काफ़ी ठीक ठाक आते हैं इनके। और अगर आप देखें तो बहुत जो इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी वगैरह होती है, जितनी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह, डाटा वगैरह में इंटरेस्ट है तो देख लीजिए। अभी हम बात लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अर्निंग इनकम, जिस वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक भी किया है या जिस वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता दूं, तीन ऐसी चीज़ें जो आपको किसी भी यूट्यूबर या किसी भी क्रिएटर की अर्निंग इनकम जानने से पहले जान लेना चाहिए। किसी की अगर इनकम या अर्निंग जान रहे हैं आप तो ये चीज़ें जान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली चीज़ तो ये जो इनकम या अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ, ये एक वेबसाइट बेस्ड डाटा है, खुद ही आप देख सकते हैं कि वेबसाइट बेस्ड डाटा है। दूसरी चीज़ जो इनकम या अर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूँ वो हर मंथ के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आती है, तो हर महीने आपको अलग अलग अर्निंग देखने को मिलेगी। और तीसरी और लास्ट चीज़ ये कि जो इनकम या अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ वो प्रीवियस मंथ की है, तो पिछले महीने जो इनकी अर्निंग आई है प्रीति जी की, पिछले महीने के हिसाब से अर्निंग, वही मैं आपको दिखा या बता रहा हूँ। चलिए और अब बातें नहीं करते हैं, देखते हैं डायरेक्टली कितनी अर्निंग लेती हैं या कितने पैसे कमा लेती हैं। तो आप लोग देख सकेंगे सेंटर पे बीचों बीच $240 $240 239 लिखा है, तो आप 240 मान लीजिए, $240 एक मंथ के हिसाब से कर ले रहे हैं अर्निंग। तो अभी हम क्या करेंगे, इन $240 को भारतीय रुपए पैसों में, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे और जानेंगे कि भारतीय रुपए पैसों में कितने होते हैं 240, क्योंकि अभी डॉलर्स में है, आप देखेंगे तो बाहरी पैसों में, अमेरिकन करेंसी में है, इसे इंडियन रुपीज़ में चेंज करना ज़रूरी है। तो हम लोग कर लेते हैं भारतीय रुपए पैसों में चेंज। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर गूगल खोल लिया है और गूगल पर मैं $240 जितनी अर्निंग हो जाती है, $240 उतना मैं लिख लेता हूँ और उसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग इंटू रुपीज़ में। आपके यहाँ थोड़ा गलती हो गई, देखते हैं भारतीय रुपये पैसों में कितने होते हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं 18,600 के हिसाब से, 18,700 मान लीजिए, लगभग 640 है तो 700 मान लीजिए, तो लगभग 18,000 के समथिंग एक मंथ के हिसाब से कर ले रहे हैं अर्निंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।